आरजेडी सदस्य सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो वहीं सदस्यता समाप्त करने के बाद सुनील सिंह ने सदन में कहा कि जिसको फांसी दी जा रही उसकी बात तो सुन ली जाए। आज का दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन है। आचार्य समिति में फर्जी मामला बनाया गया, अगले को अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया। वहीं क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के आवास में यह प्लान बन चुका था, जो रोजगार की बात उठाता है, भ्रष्टाचार की बात उठाता है, उसे दबाया जाता है। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम शॉर्ट में इतना ही कहेंगे कि इसमें अनुशंसाएं क्या है इसको अभी जाकर हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि षड्यंत्रकारियों द्वारा लगभग एक महीना इसमें मेहनत किया गया है षड्यंत्रकारियों द्वारा कि किस तरह से गरीबों का आवाज सदन में नहीं उठे, किस तरह से किसानों का आवाज सदन में नहीं उठे, किस तरह से अल्पसंख्यकों की आवाज सदन में नहीं उठे, किस तरह से बेरोजगारों की आवाज सदन में नहीं उठे। तो ये षड्यंत्रकारी लोग काफी दिनों से लगे हुए थे और सभी लोग जानते हैं कि ये जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है इस पर कल चर्चा होगा। हम व्यापक रूप से कल आप लोगों को बयान देंगे, कल जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी होना है, उसके बाद हम व्यापक रूप से आपके साथ इंटरव्यू करेंगे, सारी बातों को आपके सामने रखेंगे। अभी आप इतना ही जानिए कि जो ये प्रतिवेदन मिला है, जिसको षड्यंत्रकारियों को तैयार करने में महीनों लग गया, समझे ना, इस पर व्यापक रूप से हम इसका अध्ययन करेंगे।